हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं हाजिर हूँ नए क्लास के साथ। तो दोस्तों, आज इसमें हम पढ़ेंगे रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्लीज़ आप पिछले सारे वीडियोस को देख लीजिए, वो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलो अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक पर, रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन, इसको RBD बोलते हैं। तो RBD का फुल फॉर्म होता है रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन। व्हेन द एक्सपेरिमेंट मटेरियल इज हेटरोजीनियस। देखो, यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि व्हेन द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इज हेटरोजीनियस। दोस्तों, अगर जो हमारा एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है वो हेटरोजीनियस है, तो ये कैसा हो जाएगा, RBD डिजाइन में लागू करने लायक मटेरियल हो जाएगा। तो व्हेन द एक्सपेरिमेंटल इज हेटरोजीनियस, दोस्तों अगर होमोजीनियस कंडीशन होगी तो फिर हमें वहाँ पर CRD यूज करना पड़ेगा। ये इसमें डिफरेंस है। आप देखो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप समझिए। ये फील्ड के लिए सूटेबल है, और वो किसके लिए सूटेबल है, लैब के लिए। तो ये डिफरेंस है, मैं इसके बाद RBD और CRBD में डिफरेंस भी आपको बताऊंगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये डिजाइन कब होता है, व्हेन द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इज हेटरोजीनियस। हेटरोजीनियस का मीनिंग क्या होता है ये समझ लीजिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हेटरोजीनियस जैसा वो होता है कि जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है जिसके हम यूज कर रहे हैं उसमें एकता, समरूपता मीन्स एक जैसे नहीं है, उसमें अभिन्नता पाई जाती है। जैसे जो सॉइल कंडीशंस हैं फील्ड में, वो देखो एक जैसी नहीं होती हैं। अगर हम एक खेत सेलेक्ट करते हैं तो आप देखते होंगे कि कहीं पर लाल, हल्की फुल्की लाल लाल आ जाती है, कहीं पर डार्क काली आती है। चलो डार्क रेड, डार्क लाल है या डार्क ब्लैक है, उसमें भी जो उसकी फर्टिलिटी होती है वो एक जैसी नहीं होती है। तो दोस्तों, और ये जो डिजाइन होता है ये क्या होता है, ये देखो दोस्तों, ये टू वे डिजाइन है। टू वे जैसे होते हैं कि अगर फर्टिलिटी ग्रेडियंट जो है नॉर्थ नॉर्थ साउथ में होगा, तो जो हमारा जो डिजाइन का जो लोकेशन है वो साउथ वेस्ट ईस्ट वेस्ट में होना चाहिए, मीन्स जिसमें होता है। दूसरा दोस्तों, व्हेन द एक्सपेरिमेंटल हेटरोजीनियस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रख लें। तो मेरे भी दोस्तों, इसका मीनिंग क्या हो गया कि हेटरोजीनियस कंडीशंस में ही RBD यूज होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा, द एक्सपेरिमेंट मटेरियल इज ग्रुप्ड इनटू होमोजीनियस सब ग्रुप्स कॉल्ड एज ब्लॉक्स। देखो दोस्तों, ब्लॉक जो होते हैं, एक तो होगा पूरा फील्ड जिसको अपन ऐसे एक्सपेरिमेंटल फील्ड बोलेंगे। उसमें क्या होता है कि हम एक्सपेरिमेंटल जो डिजाइन है उसको बनाएंगे। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, हम रेप्लिकेशंस बनाएंगे। तो जो रेप्लिकेशंस होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, हम ब्लॉक्स बोलते हैं। एज ब्लॉक्स कंसिस्ट ऑफ द इंटायर सेट ऑफ ट्रीटमेंट एज ब्लॉक इज इक्विवेलेंट टू रेप्लिकेशन। देखो दोस्तों, इसमें जो बोला है, ब्लॉक इज इक्विवेलेंट टू रेप्लिकेशन। आप देखिए, ब्लॉक इज इक्विवेलेंट टू रेप्लिकेशन। जो ब्लॉक है वो किसके बराबर है, किसके समतुल्य है, रेप्लिकेशन के समतुल्य है। मींस जो रेप्लिकेशन है, देखो दोस्तों, जिन बच्चों ने अभी हमारे फील्ड में एक्सपेरिमेंट डाला है वो इसको अच्छे से समझें। उनका जो एक्सपेरिमेंट थे, जैसे तीन रेप्लिकेशन वाला है जिनका है, जैसे कि अब सारे जो स्टूडेंटों ने मोस्ट ऑफ थ्री रेप्लिकेशंस वाले थे, तो उसमें क्या थे, तीन ब्लॉक हो गए। और हर एक ब्लॉक में क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल यूनिट होती है। क्या होती है, प्लॉट्स जो होते हैं छोटे छोटे, उनको एक्सपेरिमेंटल यूनिट बोलते हैं। तो ये लेआउट करने का एक प्रोसीजर जो हो गया। इफ द फर्टिलिटी ग्रेडियंट रन इन टू वन डायरेक्शन से फ्रॉम नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट, देन द ब्लॉक्स आर फॉर्म्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका कहने का मीनिंग है, अगर हमारा फर्टिलिटी ग्रेडियंट जो है उसमें जो फर्टिलिटी का वेरिएशंस है जो वो है, वो
नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, किस में है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, जो हमें ब्लॉक्स जो बनाने हैं, जो रेप्लिकेशन बनाने हैं, उनके अपोजिट डायरेक्शन बनाने हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सच एन अरेंजमेंट ऑफ ग्रुपिंग द हेटरोजीनियस यूनिट इनटू होमोजीनियस ब्लॉक इज नॉन एज रैंडमाइजेशन ब्लॉक डिजाइन। अब दोस्तों आपको अगर आरबीडी की डेफिनेशन पूछ लेते हैं तो क्या होगा, बोले अरेंजमेंट ऑफ, अरेंजमेंट या ग्रुपिंग ऑफ द हेटरोजीनियस यूनिट। देखिए दोस्तों, अरेंजमेंट ऑफ ग्रुपिंग द हेटरोजीनियस यूनिट इनटू होमोजीनियस ब्लॉक्स, इसका मीनिंग अरेंजमेंट करना या ग्रुपिंग करना, जो ऑफ लगा दिया इसमें, अरेंजमेंट या ग्रुपिंग ऑफ हेटरोजीनियस यूनिट इनटू होमोजीनियस ब्लॉक्स इज नॉन एज रैंडमाइजेशन ब्लॉक डिजाइन। तो दोस्तों ये आरबीडी और ब्लॉक का मीनिंग है रेप्लीकेशन, इसमें ब्लॉक्स इज इक्वल टू रेप्लीकेशन, तो रैंडमाइज रेप्लीकेशन डिजाइन बोल दो। बट ऐसा कहीं लिखा नहीं है, लेकिन ये अपन बोल सकते हैं सर, तो रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन बोलते हैं उसको। अगर आरबीडी की डेफिनेशन आ जाती है तो आपको ये लिखना है कि अरेंजमेंट करना और ग्रुपिंग करना किसका, होमोजीनियस जो है मटेरियल है, यूनिट है, उसको हेटरोजीनियस को होमोजीनियस में बना कन्वर्ट करना बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लॉक्स, इज कॉल्ड एज रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन। तो दोस्तों ईच ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ एनी एज मैनी एक्सपेरिमेंटल यूनिट। देखो जो अब क्या बोल रहा है ये, कि जो ब्लॉक्स जो होते हैं, रेप्लिकेशंस जो होते हैं, उसमें क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें जो छोटे छोटे प्लॉट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल यूनिट बोलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। रेंडमाइज ब्लॉक डिजाइन किसको बोलते हैं, फिर से हम इसको समझ लेते हैं। रेंडमाइज ब्लॉक डिजाइन एन अरेंजमेंट ऑफ, अरेंजमेंट या ग्रुपिंग ऑफ द हेटरोजीनियस यूनिट। देखो हेटरोजीनियस यूनिट है ना, इसको ग्रुपिंग करना यूनिट इनटू किस में, होमोजीनियस ब्लॉक्स, होमोजीनियस में। होमोजीनियस कैसे आएगी दोस्तों, होमोजीनियस ऐसे आएगी कि हम उसको छोटे छोटे जो रेप्लिकेशन, छोटे छोटे प्लॉट्स में, एक्सपेरिमेंट यूनिट में इसको डिवाइड कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, होमोजीनियस कंडीशंस हो जाएगी। होमोजीनियस, उनको होमोजीनियस ब्लॉक बोलेंगे। अब इसको क्या बोल देंगे, इस प्रोसेस को रेंडमाइज ब्लॉक डिजाइन, आरबीडी डिजाइन बन गया। व्हाट इज आरबीडी डिजाइन, अगर पूछते हैं तो अरेंजमेंट ऑफ ग्रुपिंग द हेटरोजीनियस यूनिट इनटू होमोजीनियस ब्लॉक्स इज नॉन एज रेंडमाइज ब्लॉक डिजाइन। चाहे आप ऐसे लिखते हो, लिख सकते हो कि एक एक्सपेरिमेंट फील्ड को पहले रेप्लीकेशंस में डिवाइड करना, उन रेप्लीकेशंस को छोटे छोटे एक्सपेरिमेंटल यूनिट और छोटे छोटे प्लॉट्स में डिवाइड करना को क्या बोलते हैं हम लोग, रेंडमाइज ब्लॉक डिजाइन कहते हैं। बट ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, क्या, फर्टिलिटी ग्रेडियंट और आरबीडी डिजाइन। द ट्रीटमेंट आर एलोटेड रेंडमली टू द एक्सपेरिमेंटल यूनिट। दोस्तों सारे ट्रीटमेंट का मैं पहले पिछले वीडियो में आपको रेंडमाइजेशन बता चुका हूँ, तो आप प्लीज उसको देख लीजिए। रेंडमाइजेशन बहुत थोड़ी सी लेंथी प्रोसेस है। तो रेंडमाइजेशन क्या होता है आप समझ चुके हैं। तो द ट्रीटमेंट्स आर एलोटेड रैंडमली टू द एक्सपेरिमेंटल यूनिट विद इन ईच ब्लॉक इंडिपेंडेंटली सच दैट ईच ट्रीटमेंट ऑकर वंस। ऐसा होना चाहिए कि जो यूनिट है उसमें एक रेप्लिकेशन में ट्रीटमेंट सिर्फ एक ही बार आए, एक रेप्लिकेशन में ट्रीटमेंट एक ही बार आए, बट वो बराबर पोजीशन पर नहीं आना चाहिए, आपस में बराबर पर नहीं आना चाहिए, वो कम से कम एक दूसरे से दूरी पर होना चाहिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेंडमाइजेशन बोलते हैं। द नंबर ऑफ ब्लॉक इज चूजन टू बी इक्वलेंट टू द नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस ऑफ द ट्रीटमेंट। जो जो रेप्लिकेशन के ट्रीटमेंट हैं वो जो है ना, नंबर ऑफ ब्लॉक इज चूजन टू द इक्वलेंट टू द नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस ऑफ ट्रीटमेंट। तो दो ब्लॉक्स जो होते हैं ना, वो रेप्लिकेशन बराबर होते हैं। अब आप बताइए कि एक्सपेरिमेंटल यूनिट और ट्रीटमेंट्स भी बराबर होते हैं क्या, एक्सपेरिमेंटल यूनिट और ट्रीटमेंट्स बराबर होते हैं। आप रेप्लिकेशन में उतनी ही एक्सपेरिमेंटल यूनिट बनाओगे जितना कि आपके पास एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है। अब आपको एक्सपेरिमेंटल मटेरियल की और एक्सपेरिमेंटल यूनिट की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपके लिए इस क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ आप
उसको विथ एग्जाम्पल लिखिए। विथ एग्जाम्पल्स क्या है कि सामने वाले को क्लियर हो जाए कि हाँ बच्चे को ये समझ में आ गया है। द एनालिसिस ऑफ वेरियंस मॉडल फॉर आरबीडी, दोस्तों ये एनोवा, ये तो इसका लेआउट है, ये इसकी एनोवा है। ये क्या है एनोवा टेबल, अभी मैं इसको पढ़ाऊंगा, तब तक पहले मैं आपको इसका फॉर्मूले से इसकी एनालिसिस बताता हूँ। द रिजल्ट ऑफ आरबीडी कैन बी अरेंज्ड इन टू वे टेबल अकॉर्डिंग टू रेप्लिकेशन मीन्स ब्लॉक एंड ट्रीटमेंट्स। देखो दोस्तों, जो आरबीडी का एनालिसिस करेंगे उसमें क्या होता है कि रेप्लिकेशंस और ट्रीटमेंट्स दो मुख्य कंपोनेंट होते हैं, रेप्लिकेशन और ट्रीटमेंट। तो देखो दोस्तों दोस्तों, ये तो सारे हुए रेप्लिकेशन, 1 2 3, ये जो लिखा है इन्होंने ये क्या हो गया, ये रेप्लिकेशन हो गया। तो ये 3 रेप्लिकेशन हो गए। और फिर क्या बोलता है ये, उसका ये बोलता है ये ट्रीटमेंट्स हो गए, कौन से वाले, ये ट्रीटमेंट्स हो गए 1 2 3 4। तो जो ट्रीटमेंट्स हैं, अब देखो, देयर विल बी द आर इंटू टी ऑब्जर्वेशन इज टोटल, वेयर द आर स्टैंड फॉर नंबर ऑफ रेप्लिकेशन एंड टी स्टैंड फॉर, ये देखिए दोस्तों, जो आर और टी हैं, जो है आर फोर किसके लिए है दोस्तों, रेप्लिकेशन के लिए। किसके लिए, यहाँ आर किसको डिनोट करता है, रेप्लिकेशन को डिनोट करता है। तो आर इन नंबर ऑफ ट्रीटमेंट, टी क्या है, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं। द डेटा आर अरेंज्ड इन टू टू वे टेबल, अब जैसे टू वे टेबल हो गई, देखो रेप्लिकेशन और ट्रीटमेंट दोनों अलग अलग डायरेक्शन में रहते हैं, यही तो है। तो इसमें क्या हो गई, टू वे टेबल हो गई, टेबल हो गई बाय रिस्पोंडिंग ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट्स इन रो। अब जो ट्रीटमेंट्स हैं ये किस में है, रो में है, और जो रेप्लिकेशन है, रेप्लिकेशन किस में है, कॉलम में है। आप प्लीज़ इसको याद करिए। अब हम लेआउट के बारे में बताते हैं आपको कि लेआउट जो बनाया था हमने, ये 3 रेप्लिकेशन हैं, ठीक है, और ये 4 ट्रीटमेंट्स हैं। अब आप अज्यूम कीजिए कि जो जो ट्रीटमेंट का जो कॉम्बिनेशन जो बनाया है, ये ऐसे अप्लाई किया है इसमें, ये तो आर इंटू टी करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स जो होती है, आर इंटू टी क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट, अगर इसमें देखें तो आर इंटू टू करोगे तो R3 T4, 4 3 12, इस तरह से एक फॉर एग्जाम्पल के लिए आ जाएंगे। दोस्तों ये जो है ट्रीटमेंट टोटल होता है, ये क्या है, ये उन्होंने कुछ भी डिनोट किया है, लेकिन ये ट्रीटमेंट टोटल आता है इधर, ये ट्रीटमेंट टोटल है, ये ट्रीटमेंट टोटल है, ये ट्रीटमेंट टोटल है। बट जो यहाँ जो आते हैं, ये जो क्या आता है, एक्सपेरिमेंट टोटल आता है, क्या है, एक्सपेरिमेंट सॉरी रेप्लिकेशन टोटल आता है, ये रेप्लिकेशन टोटल आता है। और ये जो होता है यहाँ पर, ये क्या आता है, ग्रांड टोटल, मीन्स इस ट्रीटमेंट का टोटल रेप्लिकेशन टोटल ये इक्वल होता है, तो ये क्या होता है, ग्रांड टोटल होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम एनोवा टेबल में इसका एनालिसिस करते हैं तब हमको जो सारी चीज़ ये सब मिल जाती है, ये हमारे पास होना चाहिए, ये हमारे पास होना चाहिए, और ये होना चाहिए, तो हमें क्या ये सारे क्या जो मीन जो होते हैं, तो ये हमें बहुत हेल्प करते हैं। टोटल सम ऑफ स्क्वायर, टोटल सम ऑफ स्क्वायर, तो दोस्तों रेप्लिकेशन सम ऑफ स्क्वायर और ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर, देखो टोटल एसएस जो निकालेंगे उसमें क्या है, क्या है, ये जो ट्रीटमेंट्स हैं उनका सम निकालने से, करेक्शन फैक्टर से उसको लेस कर देंगे तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो टोटल एसेस जो होता है ना, जो क्या होता है टोटल एसेस, वाई आई जे होता है जो इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट इन जेथ ब्लॉक, जो होता है इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ क्या होता है, जेथ ट्रीटमेंट इन आइथ ब्लॉक। देख ले दोस्तों, यहाँ पे आप ब्लॉक और ट्रीटमेंट के आर और टी भी यूज कर सकते हैं, इसका स्कोर माइनस करेक्शन फैक्टर, तो दोस्तों इनका स्कोर जो, और यहाँ पर क्या है, रेप्लिकेशन का सम ऑफ स्कोर करेक्शन फैक्टर, ट्रीटमेंट सम ऑफ स्कोर करेक्शन फैक्टर, वो जो एरर जो निकालते हैं ना अपन दोस्तों, एरर एसएस निकालते हैं, वो ई एस एस, एरर एसएस जो होती है
टोटल एसेस में से रेप्लिकेशन एसेस और ट्रीटमेंट एसेस घट जाता है। तो दोस्तों ये क्या है, ये फॉर्मूले हैं, प्लीज़ आप इनको अच्छे से याद कर लें, ये आपको लिखना रहेगा। एक एनोवा टेबल है, आपको एनोवा टेबल पूरा समझ में आना चाहिए। दोस्तों देखो, जब एनोवा टेबल आरबीडी की अपन बनाते हैं तो उसमें क्या क्या लिखते हैं, सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या होते हैं। हमारे पास सोर्स ऑफ वेरिएशन का मीनिंग ये होता है कि हमारे पास वेरिएशन कहाँ से आते हैं, जो वेरिएशंस आते हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं। वेरिएशन मतलब त्रुटियाँ, मीन्स जो हमारे पास वेरिएशंस आते हैं हल्के फुल्के, वो कहाँ से आते हैं। तो रेप्लिकेशन से आएंगे, ट्रीटमेंट से आएंगे। तो जो वेरिएशंस आते हैं, दूसरा फैक्टर वो करेक्शन फैक्टर, डिग्री ऑफ फ्रीडम, सॉरी डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। फिर सम ऑफ स्क्वायर होता है, ये क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर, फिर मीन स्क्वायर होता है, मीन स्क्वायर या वैल्यू होता है, ये लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहले अगर रेप्लिकेशन, तो रेप्लिकेशन का जो अपन डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, आर माइनस के वन होता है, और इसका सम ऑफ स्क्वायर क्या होगा, जो इसका जो वैल्यू आएगा उसका रेप्लिकेशन सम ऑफ स्क्वायर, जो अपन ऊपर निकाला था। फिर इसका रेप्लिकेशन मीन सम ऑफ स्क्वायर, रेप्लिकेशन का मीन जो निकलेगा उसका सम ऑफ स्क्वायर करना है, ठीक है। अब इसका वैल्यू, तो आर एम एस में से ई एम एस अपन घटा देंगे। ई एम एस क्या हो रहा है, एरर मीन, ये दोनों के लिए ही कॉमन रहेगी। तो इसमें से ही अपन ई एम एस से जो आर एम एस आएगा उसमें से ई एम एस से इसको अपन डिवाइड कर देंगे, तो अपन पास एप कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी। इसको क्या बोलते हैं, एप कैलकुलेटेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, एप कैलकुलेटेड बोलते हैं इसको, सी एल, एप कैलकुलेटेड वैल्यू। दूसरा ये क्या होता है मेरे दोस्तों, ट्रीटमेंट का टी माइनस वन, ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर ऊपर निकाला है, ट्रीटमेंट मीन निकाल लेंगे इसका आप में, ट्रीटमेंट मीन सम ऑफ स्क्वायर। अब जो ट्रीटमेंट टी एम एस आया इसमें से एरर का जो है ना, इसको डिवाइड कर देंगे एरर से, तो ये ट्रीटमेंट आ जाएगा अपन का, ट्रीटमेंट का एफ कैलकुलेटर आ जाएगा। अब जो एरर आएगी, जो वेरिएशंस के कारण एरर आती है, उसके आर माइनस वन, क्योंकि दोनों के कारण आ रही है एरर, तो दोनों ही आएंगे, दोनों का एरर आ रही है इसलिए दोनों यहाँ आएगा, आर माइनस वन और टी माइनस के वन। अब जो ई एम एस है, जो ई एम एस ऊपर निकाला था हमने एरर सम ऑफ स्क्वायर निकाला था, उसमें उसका उसमें क्या एरर मीन, एरर का जो मीन स्क्वायर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मीन स्क्वायर, इसका मीन स्क्वायर निकाल लेंगे। तो दोस्तों ये टोटल में क्या करेंगे, आर टी माइनस के वन और टी एस एस टोटल सम ऑफ स्क्वायर। तो ये एक एनोवा टेबल थी, किसके लिए, आर बी डी के लिए एनोवा टेबल थी। दोस्तों आप इसको समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। अब इस एनोवा टेबल जो हो गई, अब इसमें अपन एक इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ते हैं, एडवांटेज ऑफ आरबीडी क्या है दोस्तों, एडवांटेज ऑफ आरबीडी, द प्रिसीजन इज मोर इन आरबीडी, मींस इसमें क्या है ना, एक्यूरेसी अच्छी रही, कैसे, कंपेयर टू सीआरडी से। देखो दोस्तों यहाँ पर सीआरडी के मैं कंपैरिजन भी करते चलना, द प्रिसीजन इज मोर इन आरबीडी, ठीक है, एक्यूरेसी अच्छी रहेगी। और जी क्या है ना, इसको जो है लेआउट करना सीआरडी से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन इन आरबीडी इज मोर एज कम्पेयर टू सीआरडी। देखो जो अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन इन आरबीडी इज मोर, जो हम इसमें क्या है, आरबीडी में जो हम डेटा ज़्यादा ले सकते हैं, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा कलेक्ट कर सकते हैं, कंपेयर टू किसके बारे में, सीआरडी में। सीआरडी में जो हमने लिमिटेड ही इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, इसमें होमोजेनिटी इंडोजेनिटी इतना ज़्यादा सीआरडी में पता नहीं चलता है, लेकिन आरबीडी में हम बहुत सारे वेरिएशंस पे हम काम कर पाते हैं। आरबीडी इज मोर फ्लेक्सिबल, आरबीडी इज मोर फ्लेक्सिबल, स्टैटिकल एनालिसिस सिंपल एंड ईजी। देखो आरबीडी फ्लेक्सिबल है, इससे मिसिंग अगर कोई वैल्यू मिस हो जाती है तो उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें एक जो पूछ रहा है कि स्टैटिकल एनालिसिस इज सिंपल एंड इजी। देखो दोस्तों, ये अगर अपन एफ आर वी डी और स्प्लिट प्लॉट डिजाइन से इसको कंपेयर करते हैं, तो ये बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत इसकी जो एनालिसिस है बहुत सिंपल एंड इजी है, इस एनोवा टेबल बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होती है इसकी। नेक्स्ट है, इवन इफ सम वैल्यूज आर मिसिंग स्टिल द एनालिसिस कैन बी डन बाय द यूजिंग मिसिंग प्लॉट टेक्निक। तो दोस्तों देखो, जो मिसिंग प्लॉट टेक्निक्स क्या होता है, मिसिंग प्लॉट टेक्निक्स ये होती है कि हमारे पास अगर कोई डाटा मिस हो जाता है या डाटा हमसे छूट जाता है,
तो हम इस मशीन प्लॉट टेक्निक्स का यूज करके हम उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। तो अब मशीन प्लॉट टेक्निक्स के फंक्शन क्या होंगे कि भैया कोई जो वैल्यू है हम उसकी भरपाई कर सकते हैं। मशीन प्लॉट टेक्निक्स हम एक्यूरेसी ला सकते हैं। मशीन प्लॉट के थ्रू हम लोग जो आरबीडी सीआरडीएफ आरबीडी में जो एनालिसिस में जो कमियां रह जाती हैं और या फिर जो डिफिकल्टीज होती हैं उसको हम मिसिंग प्लॉट टेक्निक से कम कर सकते हैं। और मिसिंग प्लॉट टेक्निक्स में क्या है दोस्तों कि इसमें मिसिंग वैल्यू को हम रीडिस्कवर कर लेते हैं। इस प्रकार जो मिसिंग प्लॉट टेक्निक्स जो होती है वो क्या करती है कि दूसरे जो एनालिटिकल डिजाइन्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। डिसएडवांटेज क्या है आरबीडी के? व्हेन द नंबर ऑफ ट्रीटमेंट इज इंक्रीज द ब्लॉक साइज विल बी इंक्रीज। सही बात है। इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर हम लोगों ने तीन रेप्लीकेशन चार पाँच किए तो जो नंबर ऑफ जो ब्लॉक्स हैं मीन्स रेप्लीकेशंस ज़्यादा हो जाएंगे। ट्रीटमेंट्स अगर ज़्यादा हैं तो ब्लॉक्स भी ज़्यादा हैं। इफ द ब्लॉक साइज इज लार्ज मेंटेन होमोजीनियस इज डिफिकल्ट एंड हेंस व्हेन द मोर नंबर ऑफ ट्रीटमेंट इज प्रेजेंट दिस डिजाइन में नॉट बी सूटेबल। ऐसा ये कह रहे हैं कि अगर ज़्यादा ट्रीटमेंट्स हो जाते हैं तो होमोजेनिटी मेंटेन करना थोड़ा सा दिक्कत होती है। अगर बहुत बड़ा ब्लॉक है बहुत बड़ा रेप्लिकेशन तो भी होमोजेनिटी मेंटेन करना डिफिकल्ट होती है। तो दोस्तों थैंक यू। ये हमारा एक थैंक यू विद्यार्थियों। अगर आपको कहीं कोई डाउट रह गई है तो आप प्लीज़ कॉल करके इसको हमें डिस्कस कर सकते हैं और आप हमें व्हाट्सएप पे भी डिस्कस कर सकते हैं। आपने हमारा पूरी वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो इसको शेयर कर लें और हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे भेजें जिससे कि ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सबको पढ़ने को मिले। थैंक यू। जय हिंद जय भारत। हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं हाजिर हूँ नए क्लास के साथ। तो दोस्तों आज इसमें हम पढ़ेंगे रेंडमाइज ब्लॉक डिजाइन। मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्लीज़ आप पिछले सारे वीडियोस को देख लीजिए, वो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलो अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक पर, रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन। इसको आरबीडी बोलते हैं। तो आरबीडी का फुल फॉर्म होता है रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन। व्हेन द एक्सपेरिमेंट मटेरियल इज हेटरोजीनियस। देखो यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि व्हेन द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इज हेटरोजीनियस। दोस्तों अगर जो हमारा एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है वो हेटरोजीनियस है तो ये कैसा हो जाएगा, आरबीडी डिजाइन में लागू करने लायक मटेरियल हो जाएगा। तो व्हेन द एक्सपेरिमेंटल इज हेटरोजीनियस, दोस्तों अगर होमोजीनियस कंडीशन होगी तो फिर हमें वहाँ पर सीआरडी यूज करना पड़ेगा। ये इसमें डिफरेंस है। आप देखो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप समझिए ये फील्ड के लिए सूटेबल है और वो किसके लिए सूटेबल है, लैब के लिए। तो ये डिफरेंस है, मैं इसके बाद आरबीडी और सीआरबीडी में डिफरेंस भी आपको बताऊंगा। तो प्यारे विद्यार्थियों ये डिजाइन कब होता है, व्हेन द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इज हेटरोजीनियस। हेटरोजीनियस का मीनिंग क्या होता है ये समझ लीजिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हेटरोजीनियस जैसा वो होता है कि जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है जिसके हम यूज कर रहे हैं उसमें एकता समरूपता मीन्स एक जैसी नहीं है, उसमें अभिन्नता पाई जाती है। जैसे जो सॉइल कंडीशंस हैं फील्ड में वो देखो एक जैसी नहीं होती हैं। अगर हम एक खेत सेलेक्ट करते हैं तो आप देखते होंगे कि कहीं पर लाल हल्की फुल्की लाल लाल आ जाती है, कहीं पर डार्क काली आती है। चलो डार्क रेड डार्क लाल है या डार्क ब्लैक है उसमें भी जो उसकी फर्टिलिटी होती है वो एक जैसी नहीं होती है। तो दोस्तों और ये जो डिजाइन होता है ये क्या होता है, ये देखो दोस्तों ये टू वे डिजाइन है। टू वे जैसे होते हैं कि अगर फर्टिलिटी ग्रेडियंट जो है नॉर्थ नॉर्थ साउथ में होगा तो जो हमारा जो डिजाइन का जो लोकेशन है वो साउथ वेस्ट ईस्ट वेस्ट में होना चाहिए। मीन्स जिसमें होता है
दूसरा दोस्तों, व्हेन द एक्सपेरिमेंटल यूनिट इज हेटेरोजेनियस, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रख लें। तो मेरे भी दोस्तों, इसका मीनिंग क्या हो गया कि हेटेरोजेनियस कंडीशंस में ही आरबीडी यूज होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा, द एक्सपेरिमेंट मटेरियल इज ग्रुप्ड इनटू होमोजेनियस सब ग्रुप्स कॉल्ड एज ब्लॉक्स। देखो दोस्तों, ब्लॉक जो होते हैं, एक तो होगा पूरा फील्ड जिसको अपन ऐसे एक्सपेरिमेंटल फील्ड बोलेंगे। उसमें क्या होता है कि हम एक्सपेरिमेंटल जो डिजाइन है उसको बनाएंगे। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, हम रेप्लिकेशंस बनाएंगे। तो जो रेप्लिकेशंस होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, हम ब्लॉक्स बोलते हैं। एज ब्लॉक्स कंसिस्ट ऑफ द इंटायर सेट ऑफ ट्रीटमेंट एज ब्लॉक इज इक्विवेलेंट टू रेप्लिकेशन। देखो दोस्तों, इसमें जो बोला, ब्लॉक इज इक्विवेलेंट टू रेप्लिकेशन। आप देखिए, ब्लॉक इज इक्विवेलेंट टू रेप्लिकेशन। जो ब्लॉक है वो किसके बराबर है, किसके समतुल्य है, रेप्लिकेशन के समतुल्य है। मीन्स जो रेप्लिकेशन है, देखो दोस्तों, जिन बच्चों ने अभी हमारे फील्ड में एक्सपेरिमेंट डाला है वो इसको अच्छे से समझें। उनका जो एक्सपेरिमेंट थे, जैसे तीन रेप्लिकेशन बार आया जिनका है, जैसे कि अब सारे जो स्टूडेंटों ने मोस्ट ऑफ थ्री रेप्लिकेशंस वाले थे, तो उसमें क्या थे, तीन ब्लॉक हो गए। और हर एक ब्लॉक में क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल यूनिट होती है। क्या होती है, प्लॉट्स जो होते हैं छोटे छोटे, उनको एक्सपेरिमेंटल यूनिट बोलते हैं। तो ये लेआउट करने का एक प्रोसीजर जो हो गया। इफ द फर्टिलिटी ग्रेडियंट रन्स इन टू वन डायरेक्शन से फ्रॉम नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट, देन द ब्लॉक्स ब्लॉक्स देन द ब्लॉक्स आर फॉर्म्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका कहने का मीनिंग है, अगर हमारा फर्टिलिटी ग्रेडियंट जो है, उसमें जो फर्टिलिटी का वेरिएशंस है जो वो है, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। किस में है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, जो हमें ब्लॉक्स जो बनाने हैं, जो रेप्लिकेशन बनाने हैं, उनके अपोजिट डायरेक्शन बनाने हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सच एन अरेंजमेंट ऑफ ग्रुपिंग द हेटरोजीनियस यूनिट इनटू होमोजीनियस ब्लॉक इज नॉन एज रैंडमाइजेशन ब्लॉक डिजाइन। अब दोस्तों, आपको अगर आरबीडी की डेफिनेशन पूछ लेते हैं तो क्या होगा, वो अरेंजमेंट ऑफ अरेंजमेंट या ग्रुपिंग ऑफ द हेटरोजीनियस यूनिट। देखिए दोस्तों, अरेंजमेंट ऑफ ग्रुपिंग द हेटरोजीनियस यूनिट इनटू होमोजीनियस ब्लॉक्स, इसका मीनिंग अरेंजमेंट करना या ग्रुपिंग करना, जो ऑफ लगा दिया इसमें, अरेंजमेंट या ग्रुपिंग ऑफ हेटरोजीनियस यूनिट इनटू होमोजीनियस ब्लॉक्स इज नॉन एज रैंडमाइजेशन ब्लॉक डिजाइन। तो दोस्तों, ये आरबीडी मतलब ब्लॉक का मीनिंग है रेप्लिकेशन। इसमें ब्लॉक्स इज इक्वल टू रेप्लिकेशन, तो रैंडमाइज रेप्लिकेशन डिजाइन बोल दो। बट ऐसा कहीं लिखा नहीं है, लेकिन ये अपन बोल सकते हैं ऐसे, तो रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन बोलते हैं उसको। अगर आरबीडी की डेफिनेशन आ जाती है तो आपको ये लिखना है कि अरेंजमेंट करना और ग्रुपिंग करना किसका, होमोजीनियस जो है मटेरियल है, यूनिट है, उसको हेटरोजीनियस को होमोजीनियस में बना कन्वर्ट करना बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लॉक्स इज कॉल्ड एज रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन। तो दोस्तों, ईच ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ एनी एज मैनी एक्सपेरिमेंटल यूनिट। देखो जो अब क्या बोल रहा है ये, कि जो ब्लॉक्स जो होते हैं, रेप्लिकेशंस जो होते हैं, उसमें क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें जो छोटे छोटे प्लॉट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल यूनिट बोलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। रेंडमाइज ब्लॉक डिजाइन किसको बोलते हैं, फिर से हम इसको समझ लेते हैं। रेंडमाइज ब्लॉक डिजाइन एन अरेंजमेंट ऑफ अरेंजमेंट या ग्रुपिंग ऑफ द हेटरोजीनियस यूनिट। देखो, हेटरोजीनियस यूनिट है ना, इसको ग्रुपिंग करना यूनिट इनटू किस में, होमोजीनियस ब्लॉक्स, होमोजीनियस में। होमोजीनियस कैसे आएगी दोस्तों, होमोजीनियस ऐसे आएगी कि हम उसको छोटे छोटे जो रेप्लिकेशन, छोटे छोटे प्लॉट्स में, एक्सपेरिमेंट यूनिट में इसको डिवाइड कर दें। तो ये क्या हो जाएगा, होमोजीनियस कंडीशंस हो जाएगी। होमोजीनियस, उनको होमोजीनियस ब्लॉक बोलेंगे। अब इसको क्या बोल देंगे, इस प्रोसेस को रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन।
आरबीडी डिजाइन बन गया। व्हाट इज आरबीडी डिजाइन अगर पूछते हैं तो अरेंजमेंट ऑफ ग्रुपिंग द हेटरोजीनियस यूनिट इनटू होमोजीनियस ब्लॉक्स इज नॉन एज रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन। चाहे आप ऐसे लिख सकते हो कि एक एक्सपेरिमेंट फील्ड को पहले रेप्लिकेशंस में डिवाइड करना, उन रेप्लिकेशंस को छोटे छोटे एक्सपेरिमेंटल यूनिट और छोटे छोटे प्लॉट्स में डिवाइड करना को क्या बोलते हैं हम लोग, रेंडमाइज ब्लॉक डिजाइन कहते हैं। बट ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, क्या फर्टिलिटी ग्रेडियंट और आरबीडी डिजाइन। द ट्रीटमेंट आर एलोटेड रेंडमली टू द एक्सपेरिमेंटल यूनिट। दोस्तों सारे ट्रीटमेंट का मैं पहले पिछले वीडियो में आपको रेंडमाइजेशन बता चुका हूँ, तो आप प्लीज उसको देख लीजिए। रेंडमाइजेशन बहुत थोड़ी सी लेंथी प्रोसेस है। तो रेंडमाइजेशन क्या होता है आप समझ चुके हैं। तो द ट्रीटमेंट्स आर एलोटेड रेंडमली टू द एक्सपेरिमेंटल यूनिट विद इन ईच ब्लॉक इंडिपेंडेंटली सच दैट ईच ट्रीटमेंट ऑकर वंस। ऐसा होना चाहिए कि जो यूनिट है उसमें एक रेप्लिकेशन में ट्रीटमेंट सिर्फ एक ही बार आए, एक रेप्लिकेशन में ट्रीटमेंट एक ही बार आए, बट वो बराबर पोजीशन पर नहीं आना चाहिए, आपस में बराबर पर नहीं आना चाहिए, वो कम से कम एक दूसरे से दूरी पर होना चाहिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेंडमाइजेशन बोलते हैं। द नंबर ऑफ ब्लॉक इज चूजन टू बी इक्वलेंट टू द नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस ऑफ द ट्रीटमेंट। जो जो रेप्लिकेशन के ट्रीटमेंट हैं वो जो है ना, नंबर ऑफ ब्लॉक इज चूजन टू द इक्वलेंट टू द नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस ऑफ ट्रीटमेंट। तो दो ब्लॉक्स जो होते हैं ना वो रेप्लिकेशन बराबर होते हैं। अब आप बताइए कि एक्सपेरिमेंटल यूनिट और ट्रीटमेंट्स भी बराबर होते हैं क्या? एक्सपेरिमेंटल यूनिट और ट्रीटमेंट्स बराबर होते हैं। आप रेप्लिकेशन में उतनी ही एक्सपेरिमेंटल यूनिट बनाओगे जितना कि आपके पास एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है। अब आपको एक्सपेरिमेंटल मटेरियल की और एक्सपेरिमेंटल यूनिट की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपके लिए इस क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ आप उसको विथ एग्जाम्पल लिखिए। विथ एग्जाम्पल्स क्या है कि सामने वाले को क्लियर हो जाए कि हाँ बच्चे को ये समझ में आ गया है। द एनालिसिस ऑफ वेरियंस मॉडल फॉर आरबीडी। दोस्तों ये एनोवा ये तो उसका लेआउट है, ये इसकी एनोवा है। ये क्या है, एनोवा टेबल। अभी मैं इसको पढ़ाऊंगा, तब तक पहले मैं आपको इसका फॉर्मूले से इसकी एनालिसिस बताता हूँ। द रिजल्ट ऑफ आरबीडी कैन बी अरेंज्ड इन टू वे टेबल अकॉर्डिंग टू रेप्लीकेशन मीन्स ब्लॉक एंड ट्रीटमेंट्स। देखो दोस्तों जो आरबीडी का एनालिसिस करेंगे उसमें क्या होता है कि रेप्लीकेशंस और ट्रीटमेंट्स दो मुख्य कंपोनेंट होते हैं, रेप्लीकेशन और ट्रीटमेंट। तो देखो दोस्तों दोस्तों ये तो सारे हुए रेप्लीकेशन, एक दो तीन ये जो लिखा है इन्होंने, ये क्या हो गया, ये रेप्लीकेशन हो गया। तो ये तीन रेप्लीकेशन हो गए। और फिर क्या बोलता है ये, उसका ये बोलता है ये ट्रीटमेंट्स हो गए। कौन से वाले, ये ट्रीटमेंट्स हो गए, एक दो तीन चार। तो जो ट्रीटमेंट्स हैं अब देखो, देयर विल बी द आर इंटू टी ऑब्जर्वेशन इज टोटल, वेयर द आर स्टैंड फॉर नंबर ऑफ रेप्लीकेशन एंड टी स्टैंड फॉर। ये देखिए दोस्तों जो आर और टी हैं, जो है आर फोर किसके लिए है दोस्तों, रेप्लीकेशन के लिए। किसके लिए, यहाँ आर किसको डिनोट करता है, रेप्लीकेशन को डिनोट करता है। तो आर इन नंबर ऑफ ट्रीटमेंट, टी क्या है, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं। द डेटा आर अरेंज्ड इन टू टू वे टेबल। अब जैसे टू वे टेबल हो गई, देखो रेप्लीकेशन और ट्रीटमेंट दोनों अलग अलग डायरेक्शन में रहते हैं, यही तो है। तो इसमें क्या हो गया, टू वे टेबल हो गई, टेबल हो गई बाय रिस्पोंडिंग ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट्स इन रो। अब जो ट्रीटमेंट्स हैं ये किस में है, रो में है, और जो रेप्लीकेशन है, रेप्लीकेशन किस में है, कॉलम में है। आप प्लीज़ इसको याद करिए। अब हम लेआउट के बारे में बताते हैं आपको कि लेआउट जो बनाया था हमने, ये तीन रेप्लीकेशन हैं ठीक है, और ये चार ट्रीटमेंट्स हैं। अब आप अज्यूम कीजिए कि जो जो ट्रीटमेंट का जो कॉम्बिनेशन जो बनाया है ये ऐसे अप्लाई किया है इसमें, ये तो आर इंटू टी करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स जो होती है, आर इंटू टी क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट। अगर इसमें देखें तो आर इंटू टू करोगे तो आर तीन टी चार, चार तीन 12।
इस तरह से एक फॉर एग्जांपल के लिए आ जाएंगे। दोस्तों ये जो है ट्रीटमेंट टोटल होता है, ये क्या है, ये उन्होंने कुछ भी डिनोट किया है लेकिन ये ट्रीटमेंट टोटल आता है इधर, ये ट्रीटमेंट टोटल है, ये ट्रीटमेंट टोटल है, ये ट्रीटमेंट टोटल है। बट जो यहाँ जो आते हैं ये जो क्या आता है, एक्सपेरिमेंट टोटल आता है। क्या है? एक्सपेरिमेंट, सॉरी, रेप्लिकेशन टोटल आता है, ये रेप्लिकेशन टोटल आता है। और ये जो होता है यहाँ पर, ये क्या आता है, ग्रांड टोटल, मीन्स इस ट्रीटमेंट का टोटल रेप्लिकेशन टोटल ये इक्वल होता है, तो ये क्या होता है, ग्रांड टोटल होता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम एनोवा टेबल में इसका एनालिसिस करते हैं तब हमको जो सारी चीज़ ये सब मिल जाती है, ये हमारे पास होना चाहिए, ये हमारे पास होना चाहिए और ये होना चाहिए, तो हमें क्या ये सारे क्या जो मीन जो होते हैं, तो ये हमें बहुत हेल्प करते हैं। टोटल सम ऑफ स्क्वायर, टोटल सम ऑफ स्क्वायर, तो दोस्तों रेप्लिकेशन सम ऑफ स्क्वायर और ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर। देखो टोटल एसएस जो निकालेंगे उसमें क्या है, क्या है, ये जो ट्रीटमेंट्स हैं, जो ट्रीटमेंट्स हैं उनका सम निकालने से, करेक्शन फैक्टर से उसको लेस कर देंगे तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो टोटल एसएस जो होता है ना, जो क्या होता है टोटल एसएस, वाई आई जे होता है जो इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट इन जेथ ब्लॉक, जो होता है इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ क्या होता है, जेथ ट्रीटमेंट इन आइथ ब्लॉक। देख ली दोस्तों, यहाँ पे आप ब्लॉक और ट्रीटमेंट के आर और टी भी यूज कर सकते हैं, इसका स्कोर माइनस करेक्शन फैक्टर, तो दोस्तों इनका स्कोर जो, और यहाँ पर क्या है, रेप्लिकेशन का सम ऑफ स्कोर करेक्शन फैक्टर, ट्रीटमेंट सम ऑफ स्कोर करेक्शन फैक्टर, वो जो एरर जो निकालते हैं ना अपन दोस्तों, एरर एसएस निकालते हैं, वो ईएसएस, एरर एसएस जो होती है टोटल एसएस में से रेप्लिकेशन एसएस और ट्रीटमेंट एसएस घट जाता है। तो दोस्तों ये क्या है, ये फॉर्मूले हैं, प्लीज़ आप इनको अच्छे से याद कर लें, ये आपको लिखना रहेगा। एक एनोवा टेबल है, आपको एनोवा टेबल पूरा समझ में आना चाहिए। दोस्तों देखो जब एनोवा टेबल आरबीडी की अपन बनाते हैं तो उसमें क्या क्या लिखते हैं, सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या होते हैं, हमारे पास सोर्स ऑफ वेरिएशन का मीनिंग ये होता है कि हमारे पास वेरिएशन कहाँ से आते हैं, जो वेरिएशन आते हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं। वेरिएशन मतलब त्रुटियाँ, मीन्स जो हमारे पास वेरिएशंस आते हैं हल्के फुल्के, वो कहाँ से आते हैं, तो रेप्लिकेशन से आएंगे, ट्रीटमेंट से आएंगे। तो जो वेरिएशंस आते हैं, दूसरा फैक्टर वो करेक्शन, डिग्री ऑफ फ्रीडम, सॉरी डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, फिर सम ऑफ स्क्वायर होता है, क्या होता है सम ऑफ स्क्वायर, फिर मीन स्क्वायर होता है, मीन स्क्वायर या वैल्यू होता है, ये लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहले अगर रेप्लिकेशन, तो रेप्लिकेशन का जो अपन डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, आर माइनस के वन होता है, और इसका सम ऑफ स्क्वायर क्या होगा, जो इसका जो वैल्यू आएगा उसका रेप्लिकेशन सम ऑफ स्क्वायर, जो अपन ऊपर निकाला था, फिर इसका रेप्लिकेशन मीन सम ऑफ स्क्वायर, रेप्लिकेशन का मीन जो निकलेगा उसका सम ऑफ स्क्वायर करना है, ठीक है। अब इसका वैल्यू, तो आर एम एस में से ई एम एस अपन घटा देंगे, ई एम एस क्या होगा, एरर मीन, ये दोनों के लिए ही कॉमन रहेगी, तो इसमें से ही अपन ई एम एस से जो आर एम एस आएगा उसमें से ई एम एस से इसको अपन डिवाइड कर देंगे, तो अपन पास एप कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी। इसको क्या बोलते हैं, एप कैलकुलेटेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, एप कैलकुलेटेड बोलते हैं इसको, सी एल, एप कैलकुलेटेड वैल्यू। दूसरा ये क्या होता है मेरे दोस्तों, ट्रीटमेंट का टी माइनस के वन, ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर ऊपर निकाला है, ट्रीटमेंट मीन निकाल लेंगे इसका आप में, ट्रीटमेंट मीन सम ऑफ स्क्वायर, अब जो ट्रीटमेंट टी एम एस आया इसमें से एरर का जो है ना इसको डिवाइड कर देंगे एरर से, तो ये ट्रीटमेंट आ जाएगा अपन का, ट्रीटमेंट का एफ कैलकुलेटर आ जाएगा। अब जो एरर आएगी, जो वेरिएशंस के कारण एरर आती है उसके आर माइनस वन, क्योंकि दोनों के कारण आ रही है एरर, तो दोनों ही आएंगे, दोनों का एरर आ रही है इसलिए दोनों यहाँ आएगा, आर माइनस वन और टी माइनस के वन। अब जो ई एम एस आया है, जो ई एम एस ऊपर निकाला था हमने एरर सम ऑफ स्क्वायर निकाला था, उसमें उसका उसमें क्या एरर मीन, एरर का जो मीन स्क्वायर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मीन स्क्वायर, इसका मीन स्क्वायर निकाल लेंगे,
तो दोस्तों ये टोटल में क्या कहेंगे, आर टी माइनस के वन और टी एस एस टोटल समय पर स्क्वायर, तो ये एक एनवा टेबल थी किसके लिए, आर बी डी के लिए एनवा टेबल थी। दोस्तों आप इसको समझ लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इस एनवा टेबल जो हो गई, अब इसमें अपन एक इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ते हैं, एडवांटेज ऑफ आर बी डी। क्या है दोस्तों एडवांटेज ऑफ आर बी डी, द प्रिसीजन इज मोर इन आर बी डी, मीन्स इसमें क्या है ना, एक्यूरेसी अच्छी रही किसे कंपेयर टू सी आर डी से। देखो दोस्तों यहाँ पर सी आर डी के मैं कंपेरिजन भी करते चलना, द प्रिसीजन इज मोर इन आर बी डी, ठीक है, एक्यूरेसी अच्छी रहेगी। और जी क्या है ना, इसको जो है लेआउट करना सी आर डी से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन इन आर बी डी इज मोर एज कम्पेयर टू सी आर डी। देखो जो अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन इन आर बी डी इज मोर, जो हम इसमें क्या है आर बी डी में जो हम डेटा ज़्यादा ले सकते हैं, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा कलेक्ट कर सकते हैं कंपेयर टू किसके बारे में, सी आर डी में। सी आर डी में जो हमने लिमिटेड ही इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, इसमें होमोजेनिटी हिटेरोजेनिटी इतना ज़्यादा सी आर डी में पता नहीं चलता है, लेकिन आर बी डी में हम बहुत सारे वेरिएशंस पे हम काम कर पाते हैं। आर बी डी इज मोर फ्लेक्सिबल, आर बी डी इज मोर फ्लेक्सिबल, स्टैटिकल एनालिसिस सिंपल एंड ईजी। देखो आर बी डी फ्लेक्सिबल है, इससे मिसिंग अगर कोई वैल्यू मिस हो जाती है तो उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें एक जो पूछ रहा है कि स्टैटिकल एनालिसिस इज सिंपल एंड ईजी। देखो दोस्तों ये अगर अपन एफ आर बी डी और स्प्लिट प्लॉट डिजाइन से इसको कंपेयर करते हैं तो ये बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत इसकी जो एनालिसिस है बहुत सिंपल है, ईजी है, इस एनवा टेबल बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होती है इसकी। नेक्स्ट है, इवन इफ सम वैल्यूज आर मिसिंग स्टिल द एनालिसिस कैन बी डन बाय द यूजिंग मिसिंग प्लॉट टेक्निक। तो दोस्तों देखो जो मिसिंग प्लॉट टेक्निक्स क्या होता है, मिसिंग प्लॉट टेक्निक्स ये होती है कि हमारे पास अगर कोई डाटा मिस हो जाता है या डाटा हमसे छूट जाता है तो हम इस मिसिंग प्लॉट टेक्निक्स का यूज करके हम उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। तो अब मिसिंग प्लॉट टेक्निक्स के फंक्शन क्या होंगे कि भैया कोई जो वैल्यू है हम उसकी भरपाई कर सकते हैं, मिसिंग प्लॉट टेक्निक्स हम एक्यूरेसी ला सकते हैं, मिसिंग प्लॉट के थ्रू हम लोग जो आर बी डी सी आर डी एफ आर बी डी में जो एनालिसिस में जो कमियां रह जाती हैं और या फिर जो डिफिकल्टीज होती हैं उसको हम मिसिंग प्लॉट टेक्निक से कम कर सकते हैं। और मिसिंग प्लॉट टेक्निक्स में क्या है दोस्तों कि इसमें मिसिंग वैल्यू को हम रीडिस्कवर कर लेते हैं। इस प्रकार जो मिसिंग प्लॉट टेक्निक्स जो होती है वो क्या करती है कि दूसरे जो एनालिटिकल डिजाइंस हैं उनमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। डिसएडवांटेज क्या है आरबीडी के, व्हेन द नंबर ऑफ ट्रीटमेंट इज इंक्रीज द ब्लॉक साइज विल बी इंक्रीज। सही बात है, इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर हम लोगों ने तीन रेप्लीकेशन चार पाँच किए तो जो नंबर ऑफ जो ब्लॉक्स हैं मीन्स रेप्लीकेशंस ज़्यादा हो जाएंगे, ट्रीटमेंट्स अगर ज़्यादा हैं तो ब्लॉक्स भी ज़्यादा हैं। इफ द ब्लॉक साइज इज लार्ज मेंटेन होमोजीनियस इज डिफिकल्ट एंड हेंस व्हेन द मोर नंबर ऑफ ट्रीटमेंट इज प्रेजेंट दिस डिजाइन में नॉट बी सूटेबल। ऐसा ये कह रहा है कि अगर ज़्यादा ट्रीटमेंट्स हो जाते हैं तो होमोजेनिटी मेंटेन करना थोड़ा सा दिक्कत होती है, अगर बहुत बड़ा ब्लॉक है बहुत बड़ा रेप्लिकेशन तो भी होमोजेनिटी मेंटेन करना डिफिकल्ट होती है। तो दोस्तों थैंक यू, ये हमारा एक थैंक यू विद्यार्थियों, अगर आपको कहीं कोई डाउट रह गई है तो आप प्लीज़ कॉल करके इसको हमें डिस्कस कर सकते हैं और आप हमें व्हाट्सएप पे भी डिस्कस कर सकते हैं। आपने हमारा पूरी वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो इसको शेयर कर लें और हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक से भेजें जिससे कि ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सबको पढ़ने को मिले। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।